धर्म का मूल है आस्था और विश्वास। ऐसे ही आस्था और विश्वास का केंद्र है पवित्र देवस्थली मालासेरी डूंगरी स्थित भगवान श्री देव नारायण का मंदिर। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे से 7 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित यह पौराणिक मंदिर भगवान देव नारायण की अवतरण स्थली के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है और समाज के सभी वर्गों के लोग इस दिव्य धाम की धूली को अपने मस्तक से लगाते हैं। विष्णु यानी विश्व विधाता भगवान विष्णु की पूजा विभिन्न रूपों में आदिकाल से होती आई है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं विष्णु भगवान ही श्री देव नारायण भगवान के रूप में मालासेरी डोंगरी पर अवतरित हुए। माता साडू गुजरी ने अपने पति महाराज सवाई भोज गुजर सहित सभी 24 बगड़ावत भाइयों के अमर बलिदान के बाद मालासेरी डोंगरी पर भगवान विष्णु की अखंड तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु संवत 968 माघ शुक्ल सप्तमी को प्रातः 4 बजे पर्वत को चीरकर घनघोर वर्षा में पानी के मध्य कमल के फूल पर अवतरित हो मां साडू गुजरी की झोली में आए। बाल्यकाल से ही भगवान देव नारायण की अद्भुत लीलाओं और पराक्रम से उनका यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। चाहे गोठा से माता साडू के साथ नाना जी के घर मालवा जाते समय जंगल में देव जी को एक शेरनी द्वारा दूध पिलाने की लीला हो या राक्षसियों द्वारा छूछू भाट को खाए जाने पर देव जी द्वारा उन्हें दंडित कर छूछू भाट को पुनर्जीवित करने की लीला हो, परिजनों को विलाप करते देख नृत्य सारंग सेठ को पुनर्जीवित करने का चमत्कार हो अथवा सुशा राक्षस का वध कर उसके आतंक से लोगों को मुक्त कराने का प्रसंग हो। भगवान देव नारायण जी के द्वारा किए गए लोक उपकारों पर आधारित ऐसी अनेकों कथाएं हैं, जहां एक और देव नारायण जी को अपार शौर्य और पराक्रम द्वारा अन्याय का प्रतिकार करने के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर अपनी चमत्कारी सिद्धियों द्वारा जन कल्याण करने वाले कृपालु शासक व गौरक्षक के रूप में भी पहचाना जाता है। भगवान देव नारायण जी के देवलोक गमन की गाथा भी अलौकिक है। कहते हैं भगवान श्री देव नारायण के नेकाड़ी नदी पर स्नान ध्यान करने के बाद माता साडू गुजरी ने देव जी को थाली के देवरा पर भोजन कराया। वहीं से भगवान श्री देव नारायण जी कमल के फूल के साथ नीलागर घोड़े पर सवार होकर बरनाघर से सशरीर